नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। गायत्री शक्तिपीठ ट्रस्ट की जमीन पर किया जा रहा अवैध कब्जा, मंदिर के दान की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे रसूखदार किशन लाल मेहरवान। लांजी नगर परिषद क्षेत्र में स्थित प्राचीन देवी गायत्री शक्तिपीठ मंदिर की खाली पड़ी जमीन पर रसूखदारों के द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक किशन लाल मेहरवान ने लगाया है। सोमवार को शक्तिपीठ गायत्री मंदिर ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक के साथ श्रद्धालुओं ने लांजी थाना पहुंचकर चल रहे अवैध कब्जे में निर्माण को रोकने हेतु आवेदन दिया गया और इसके पूर्व भी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें अतिक्रमण कार्यों को रोककर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मामला लांजी नगर परिषद के भिलाई रोड में स्थित मां गायत्री शक्तिपीठ मंदिर का है, जहां पर मंदिर ट्रस्ट के भूमि पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मां गायत्री मंदिर ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक किशन लाल मेहरबान पिता धूलिया साहू जी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं नगर परिषद में की गई तथा किशन लाल मेहरबान के द्वारा बताया गया कि मंदिर के बाजू में निवासरत ललित पिता स्वर्गीय बिशन अग्रवाल के द्वारा गायत्री मंदिर ट्रस्ट की भूमि खसरा नंबर 199/6 रकबा 0.07 डिसमिल भूमि पर जबरन कब्जा कर पिल्लर कॉलम खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी एवं नगर परिषद सीएमओ के द्वारा आज तक ललित अग्रवाल पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और ललित अग्रवाल के द्वारा निरंतर कार्य चालू रखा गया है, जिस पर दिनांक 11 सितंबर को हमारे गायत्री परिवार के द्वारा लांजी थाना प्रभारी को काम रुकवाने हेतु आवेदन दिया गया है। इस हो रहे अतिक्रमण से मंदिर के गायत्री परिवार में आक्रोश है। श्री मेहरबान ने कहा कि ललित अग्रवाल पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है और गायत्री परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा अग्रिम शिकायत को उच्च स्तर तक ले जाया जाएगा। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। परिचय, मैं किशन लाल मेहरबान रिटायर्ड टीचर हूँ और ये गायत्री परिवार ट्रस्ट का मैं मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हूँ। जैसे सर, अभी आपने मंदिर की जगह में अतिक्रमण को लेकर जो शिकायत किया, क्या है मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ पर हमको इस परिसर में रजिस्टर्ड भूमि भी है और दान दी गई भूमि है। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे पास 7 डिसमिल जमीन है और इस 7 डिसमिल जमीन पर ये हमारे पूर्व ट्रस्टियों के द्वारा निर्मित किया हुआ स्थान है, जिसमें पूर्व में उत्तर दिशा की तरफ जो बाला गोंदिया भिलाई रोड है, भिलाई बालाघाट रोड है, लांजी बालाघाट लांजी भिलाई रोड है, इसके ऊपर एक आने जाने का रास्ता हमारे मंदिर के लिए रखा हुआ था, जिसमें अन्य लोग भी आया करते थे। उस रास्ते पर, वो रास्ता हम लोगों के कब्जे का ही है, पर वहीं से बिशनदास जी के यहाँ के लड़के ललित कुमार आना जाना करते थे। वहाँ से ज़्यादा उनके लोग आने जाने करने लगे, जिसमें कपड़ा लेने वाले आकर हमारे मंदिर में आकर शौचालय का उपयोग करते थे और अनावश्यक ढंग से मंदिर में गंदगी फैलाते थे। इस कारण उस रास्ते को हमने अभी बंद कर दिया है। वो रास्ते पर किसी का कब्जा नहीं, हम लोगों का ही कब्जा था, परंतु उनको मौखिक रूप से आने जाने की व्यवस्था दी गई, उसमें निर्माण करने की कोई बात नहीं कही, उस पर आने जाने के लिए हाँ, केवल आने जाने के लिए दी गई और वो वहवट कर सकते, उसमें उन्हें कोई मनाई नहीं। उस ज़मीन पर कोई निर्माण नहीं करेंगे वो, न हम करेंगे, क्योंकि आने जाने की वो सबके और हमारे लिए भी सुलभ है। उसमें प्रकाश और खिड़की दरवाजे यदि रखा जाए, इसके लिए भी वो खाली है। उनका भी उनके पूर्व पुराने मकान में खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, उसी में से वो लोग भी आना जाना कर रहे थे और वो अभी खुले हैं उनके, और उसको भी वो अपने खिड़की दरवाजे को भी बंद कर रहे हैं। हाँ, ऊपर से इनका जो घरेलू पानी का पाइप है वो हमारे मंदिर परिसर से नीचे आता है और वहाँ से लीकेज होता है, जिससे हमारे कमरे भर पानी फैल रहा है। और दूसरा, हम लोग बाथरूम के लिए जो जहाँ बनाया है, जहाँ लोग हाथ मुँह धोते हैं, उस पर भी वो पानी आकर गिरता है। तो वो पानी कहाँ का आ रहा है पाइप? ये पानी उन्हीं के यहाँ का है, ललित कुमार बिशनदास अग्रवाल के यहाँ का पानी है। हाँ, जो पानी है वो यहाँ आकर हम लोगों को बाथरूम पैदा करता है, तकलीफ देता है, मंदिर परिसर के अंदर आता है। हाँ, अंदर आता है। उसको भी बंद करने के लिए मैंने इस बार लगाया कि वो बंद किया जाए, और आए दिन इसी बात को लेकर कभी कभी उनसे दो दो बात होती है। हम लोग सज्जन लोग हैं और
हम इस प्रकार से कोई मंदिर ट्रस्ट में कोई ऐसा बखेड़ा नहीं मानना चाहते। ये मंदिर सभी का है, सभी के लिए खुला है और सभी लोग आ जा सकते हैं, जिसमें सबकी व्यवस्था बनी रहे और सब यहाँ आनंद पूर्वक आए जाए, ये हमारी व्यवस्था में किसी प्रकार का खलन ना हो, इसलिए ये बात कही जा रही है और इस कार्य को रोका जा रहा है। मिलते हैं अगली बार नई और ताजा खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।